स्टार्ट करते हैं जेई मेन्स शिफ्ट 1/8 अप्रैल के पेपर का डिस्कशन। जो क्वेश्चंस आए हैं मेमोरी बेस्ड हैं, पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही होंगे और इन क्वेश्चंस के आपके साथ मैं आंसर डिस्कस करूंगा। पेपर अगर हम देखें तो जनवरी जैसा ही पेपर है, बल्कि इनफैक्ट पेपर वन तो काफ़ी ईजी लगा मुझे जनवरी वन से, जैसा मैंने बोला था आपसे और जिस ढंग से मैंने आपका फाउंडेशन कोर्स कवर किया था। अगर आपने वो बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप 25 से 30 के बीच में ही अटेम्प्ट करेंगे, उससे कम नहीं होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मैंने आपको अप्रोच बताया था कि जब भी कभी रूड हो तो डायरेक्ट करिए x टेंस टू 0 पे साइन x को x लिखिए। तो पहले मैं वो टेक्निक बताता हूँ जो आपको एग्जाम में यूज करना चाहिए थी। एक्स स्क्वायर ये मिलता है 2 - 1 - cos x, यानी 1 - cos x, 1 - cos x होता है 2 sin² x/2, यानी x² / 4 * रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो √2, और इसमें भी जब 0 रखेंगे तो +√2, राइट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 2, ये 2 ऊपर जाएगा और ये भी 2√2, यानी 4√2 इज अ राइट आंसर, राइट। जो टेक्निक्स आपके पास कोर्स है, आप इन क्वेश्चंस को देख लो, पहले भी करवाए हुए हैं क्वेश्चंस इस तरह के पूरे। पहले टेक्निक्स आपको समझनी है, क्योंकि पेपर ओवरऑल देखें तो केमिस्ट्री तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो आप सॉल्व कर सकते थे, फिजिक्स थोड़ा लेंदी था, पर मैथ्स में इतना अच्छा पेपर था कि आप अगर प्रॉपर टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करते तो टाइम सेव करके इस पेपर में ज़्यादा स्कोर किया जा सकता था। यानी हर सेक्शंस को बहुत अच्छे से मैं एक बार पूरा आपको समझा देता हूँ कि क्या किया है। सबसे पहले इसको हमने रैशनलाइज किया, एक्स टेंस टू 0, ये साइन स्क्वायर एक्स है, होता ही है, मैंने आपको बोला था। सबसे अच्छी ट्रिक्स जो होती है वो होती है स्टेप सेविंग ट्रिक्स, स्टेप को जितना सेव करेंगे उतना अच्छा है। ये √2 + √1 + cos x * ये छोटी छोटी नीचे रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा तो 2 - जब आप स्टेप लिखते हैं तो फिर कई बार बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, क्या आ जाएगा इसके बाद। और देखिए जब स्टेप लिखेंगे तो ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा, अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट करेंगे। आप x की प्लेस पे 0 रख देंगे तो क्या जाएगा √2 + ये भी √2, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 - cos x, दिस इज 2 sin² x/2। अब क्या करेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 2 है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है तो x² / 4, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक 4 और आएगा। देखिए ये पूरा 1, ये पूरा 1, ये कैंसिल होकर 2 ऊपर आ गया, 2 * √2, दिस इज 4√2। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो क्वेश्चन एक सिंगल स्टेप में सॉल्व हो सकता था उसके लिए मैथड पर मत जाइए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स अगर स्ट्रांग है, आपने बहुत अच्छे से फाउंडेशन को पढ़ा हुआ है, तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं बने। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन अभी मैंने जो क्विक रिवीजन क्लास ली थी उसमें भी करवाया था, फाउंडेशन कोर्स में भी था। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x²-2x+2=0, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट अल्फा बाय बीटा पावर n। अब देखिए मैंने इसको आपको बताया था x²-2x+2=0, मतलब x-1 का होल स्क्वायर -1, देन x-1 = ±i। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x = 1 + i±, यानी एक रूट हो गया 1 + i, दूसरा रूट हो गया 1 - i। एक तरह से अगर ये देखें तो जेड है तो ये जेड बार है, कभी भी इसका रेशो 1 बोलें तो n की वैल्यू हमेशा 4 होगी, क्योंकि आप जब इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं आयोटा की पावर 4 1 होता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है अल्फा बाय बीटा की पावर n मीन्स 1 + i / 1 - i। लॉजिकली आप इसको जब सॉल्व करते हैं, आप चाहो तो इसकी स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा -i, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, या इसको रैशनलाइज कर लें। अगर रैशनलाइज करेंगे तो अंदर ही अंदर देखिए ये आएगा यस और नो, जब इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा ये पावर n, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा आयोटा की होल पावर n, क्योंकि ये होगा 1 + स्टेप कम से कम लिखिए i² + 2i, i² - 1 ये कैंसिल तो 2 से 2, आयोटा की होल पावर n। अब आयोटा की पावर n मतलब आपको पता आयोटा पावर 4 मिनिमम 1 होता है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 4 होगी। अब एक चीज याद रखिए, पर जैसे ही देखिए ये दोनों कॉन्जुगेट थे, ये कॉन्जुगेट थे इसलिए इनके रेशो में हमेशा 1 मिलेगा, बट कब, जब वैल्यू ऑफ n कितनी होगी 4। अगर इसका मॉडुलस पूछा होता तो ठीक 1 पावर में ही होता। और ये आप इसको सिंपली रूट निकालने में टाइम वेस्ट मत करिए, परफेक्ट स्क्वायरिंग करिए, इसको 2 को लिखा 1 + 1, ये पूरा x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है क्या है, और मैं एक बात बिल्कुल श्योरली बोल सकता हूँ, अगर आपने यहाँ के फाउंडेशन कोर्स से पढ़ाई की होगी जेई वाले,
तो आप हर क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो, इवन मेंटली कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो पहली स्टेप में आप समझिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। मेंटली करते हैं, इसका डिवाइड करेंगे तो नीचे मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जब इसमें डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x एंड प्लस ऑफ c। देखिए ये एक स्टेप में ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है yes। यानी आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको डायरेक्ट सॉल्व करना बताया था, वही किया हुआ है। बिल्कुल आप अगर फाउंडेशन स्ट्रांग करके पेपर देने गए हैं, ये y भी यहां पर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जब आप स्टेप लिखते हैं टाइम भी बढ़ता है, अननेसेसरी कंफ्यूज भी होते हैं। सब चीजें आपको मैंने डायरेक्टली समझाई हुई हैं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये मिलेगा e पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बताया हुआ था dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू, तो इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस ऑफ c। तो डायरेक्टली लिखूं मैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जब मल्टीप्लाई किया तो केवल इतना ही बचा ना, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस c, तो क्या आ गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, ये भी करा हुआ क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल 100% श्योर कह रहा हूं कि आप कोर्स को देखो और क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंटली कर सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेंटली करूं तो यहां आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स आगे आ जाएगा, यानी 2 fx। दिस इज द राइट आंसर। राइट, क्या किया आप लोगों को, बहुत छोटी छोटी चीजों पर वर्क करना। मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स आना अलग बात है, पर क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स को आपने जब तक डेवलप नहीं किया, आप समझ लीजिए कि आप क्या अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो पाएंगे। छोटी छोटी चीजें, ये स्टेप लिखी, एक स्टेप में आपको समझ में आ रहा है ये क्या आ रहा है। अब आप ये स्टेप लिख के अननेसेसरी अपने आप का टाइम वेस्ट करते हैं, यही चीजें आपको एग्जाम में आगे बढ़ाती, यही चीजों से स्कोर कई बार कम होता है। आप देखिए ये बना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, पर आप स्टेप 1 में इसका आंसर दे सकते थे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, देखिए होमोजीनियस इक्वेशन इक्वल टू जीरो, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल में डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, नॉन ट्रिवियल में जीरो होता है। इसका मतलब इन तीनों को आप लॉजिकली समझें तो एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है, सी माइनस वन एंड सी, पहले कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए, इसमें टू टाइम सी आ रहा है तो इसके ऊपर लिख लीजिए और इसका माइनस हटा भी सकते हैं, फिर आप कोई भी ले लीजिए, वन वन माइनस सी, राइट, वन वन माइनस सी, और फिर ले लीजिए कितना, सी माइनस वन माइनस वन, दिस शुड बी जीरो। अब इसमें आप बिल्कुल ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, कैसे, जैसे देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये है माइनस वन वन माइनस वन, अगर मैं यहां पर सी की वैल्यू माइनस वन रख दूं तो देखिए माइनस वन वन एंड माइनस वन, दिस विल बी जीरो, देन दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। डिटरमिनेंट के दो कॉलम या दो रो सेम हो तो वैल्यू जीरो होती है। आप इसको टाइम, आप देखिए ये भी एक छोटे छोटे चीजें हैं जो हमारे टाइम को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हमारा खर्च होता है, इस टाइम को अगर आपने बचा लिया तो आप कहीं ना कहीं बचे हुए पेपर में टाइम दे पाएंगे और वही क्वेश्चन टेक्निक सॉल्विंग आपको डेवलप करना चाहिए। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।